कैसे हो आप सब। दिस इज कौशिक और आप सभी का स्वागत है मेरे द यूट्यूब चैनल द कौशिक्स ब्लॉग में। गाइज आज का वीडियो मेरा पिछला वाला वीडियो से इंटर रिलेटेड है। पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको एक 800 वाट का स्पीकर दिखाया था और बोला था कि ये स्पीकर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि आप मुझे कंपैरिजन बताओ 800 वर्ड के किसी और अच्छे कंपनी की या जो रेप्यूटेड कंपनी है या जिसका नाम लोग जानते हैं उससे और क्यूब से। तो आज मैं एक स्पीकर लेके आया हूँ ऑडियो टोन का। ये वाला मॉडल आप लोगों ने मेरे ही चैनल में देखा होगा। ऑडियो टोन का 820 ES वाला मॉडल है ये। 800 वर्ड का स्पीकर है और ये वाला स्पीकर का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है। और ये वाला वही स्पीकर है क्यूब का जो मैंने पिछली दफ़ा इसका रिव्यू किया था। तो गाइज देरी नहीं करते हुए हम लोग ये दोनों स्पीकर का कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज मैंने सबसे पहले ऑडियो टोन को कनेक्ट किया है। थोड़ा सा उठा के दिखाएगा राकेश। ये देखिए ये ऑडियो टोन का स्पीकर है एक्सक्लूसिव सीरीज़। और गाइज देखिए आज वाला वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ आवाज़ टेस्ट करवाऊंगा। इसका मैं आपको रिव्यू नहीं दूंगा। दोनों ही स्पीकर अच्छे हैं। आप लोगों को सुनना था कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सिर्फ आवाज़ सुनिए। इसको आपको 3 पैरामीटर्स में जज करना है, हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। गाइज आई नो मैंने कैबिनेट में फिट नहीं करा है, तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, खाली आवाज़ सुन लो, समझ लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छा कौन सा है, बेहतर कौन सा है। दोनों का रेट मैं आपको अप्रोक्स बता दूंगा ताकि आपको रेट का भी अंदाज़ा समझ में आ जाए। तो गाइज हम लोग ऑडियो शुरू करते हैं। और ईयरफोन का यूज जरूर करें। इसको आप लोगों ने 3 पैरामीटर्स में जज किया होगा, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो आइए हम लोग अब क्यूब चेक करते हैं। गाइज ये स्पीकर का जो फिजिकली जो डिफरेंस दिख रहा है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में कि दोनों में फिजिकली क्या फ़र्क है। मतलब इसका कॉयल कैसा है, इसका स्पाइडर कैसा है, इसका कोन कैसा है, इसका चेची कैसा है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ये साउंड टेस्टिंग होने के बाद, ताकि आप लोगों को और समझ में आए कि बिल्डअप क्वालिटी स्पीकर का, दोनों स्पीकर का कैसा है।
गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया हो दोनों का डिफरेंस। मैंने दोनों स्पीकर को बजा के चेक करा, दोनों का वॉल्यूम फुल था, मैंने वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ नहीं करा है। अगर किसी को लगे, मेरे कोई सब्सक्राइबर को या कोई व्यूअर को, तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों का फ़र्क। और मेरा जो पिछला वाला स्टेटमेंट था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 800 वाट का सबसे बेहतरीन स्पीकर है ये क्यूब का, तो आपको रीज़न पता चल गया होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ और अपना फेसबुक का लिंक दे देता हूँ। गाइस कोई सजेशन चाहिए, कुछ पूछना है तो आप मेरे फेसबुक पर आए, और अगर कोई सीरियस बायर है तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट करें, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और कट। सो गाइस आप लोगों ने दोनों स्पीकर का आवाज़ सुना, ऑडियो टोन का भी सुना और क्यूब का भी सुना। गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला अपने लास्ट वाले क्लिप में कि मैं आपको रिव्यू नहीं दूंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि दोनों में से अच्छा कौन सा बज रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही स्पीकर बहुत अच्छे हैं। दोनों स्पीकर अलग अलग ब्रांड्स के थे, दोनों में भी रेट डिफरेंस बहुत है, मगर दोनों ही स्पीकर ब्रांडेड है, दोनों ही स्पीकर फेमस है। तो ये बताना कि दोनों स्पीकर में बेस्ट कौन सा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्पीकर ही बेस्ट है। मान के चलो एक जगह पे 100 लोग हैं, तो अगर 60 लोग क्यूब को पसंद करेंगे तो 40 लोग ऑडियो टोन को भी पसंद करेंगे। तो ये सही नहीं है बताना कि अच्छा कौन सा। तो मैं आपको ये बता रहा था दोनों में फिजिकल क्या डिफरेंस है, उससे आप लोगों को जज करने में आसानी होगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा दोनों स्पीकर में, दोनों का ही चेची बहुत ही यूनिक है। ऑडियो टोन का वो अपना यूनिक चेचिस है और अपना क्यूब का वो अपना यूनिक चेचिस है। क्यूब वाले में आपका पेपर काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, इम्पोर्टेड पेपर था, उसको हम लोग मलेशियन पेपर भी बोलते हैं। ऑडियो टोन वाले में नॉर्मल पेपर लगा हुआ था, क्यूब वाले में सिलिकॉन स्पाइडर लगा हुआ था, डबल सिलिकॉन स्पाइडर लगा हुआ था। ऑडियो टोन वाला में प्लेन स्पाइडर लगा हुआ था, सिलिकॉन नहीं था। ऑडियो टोन वाला स्पीकर थोड़ा सा डीप डेप्थ ज़्यादा था, क्यूब वाले स्पीकर में डीप डेप्थ कम था। वो वाला स्पीकर का जो पेपर है वो फ्लैट पेपर है, ऊपर ऊपर से लगा हुआ है, डीप नहीं है उसका पेपर। इसका मैग्नेट 220x30 था क्यूब वाले का, ऑडियो टोन वाले का मैग्नेट 220x25 है। ऑडियो टोन वाला का Y30 मैग्नेट का ग्रेड है, क्यूब वाले में Y35 मैग्नेट ग्रेड है। ये जो सब मैंने आप लोगों को बताया है, ये आप देखिएगा मेरे साइड स्क्रीन में भी आप लोगों को दिखेगा। तो गाइस ये रहा फिजिकल डिफरेंस, जो दोनों स्पीकर में फिजिकली एक रॉ आई से अगर कोई बंदा इसका आवाज़ नहीं सुने और दोनों स्पीकर को रॉ चेक करे, तो ये फिजिकल डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा। बात बाकी आप लोगों ने आवाज़ सुन लिया, आप लोगों को पता चल गया होगा दोनों स्पीकर में से अच्छा कौन सा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का क्या राय है दोनों स्पीकर में अच्छा कौन सा है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस का, तो मैं आपको एक एवरेज प्राइस दे देता हूँ। रीज़न बीइंग कि रेट्स अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत क्राइसिस चल रहा है, तो रेट्स या तो बहुत ऊपर जाएंगे या तो बहुत नीचे आ सकते हैं, और प्रोडक्ट का शॉर्टेज भी बहुत मिलेगा आप लोगों को। तो खैर ये सब बात मैं आपसे अगले वीडियो में करूँगा, अभी मैं आपको प्राइस रेंज बताता हूँ दोनों स्पीकर का प्राइस रेंज क्या है। ऑडियो टोन वाला जो स्पीकर था 820 ES, वो वाला का प्राइस रेंज आपका 8000 से 9000 के बीच में आएगा, और क्यूब का जो स्पीकर था वो आपका प्राइस 7000 से 8000 के रेंज का आता है। तो आप लोग जिन भी लोगों को ये स्पीकर परचेस करना है, या तो वो अपने लोकल डीलर से परचेस करें,
और यहाँ नहीं तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ऑल ओवर इंडिया माल डिलीवर कर सकूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा और दोनों में से स्पीकर कौन सा स्पीकर अच्छा लगा ये भी मुझे बताएं। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।